सेंज घाटी के सारी गांव में दो मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। सेंज जिला कुल्लू में इन दिनों आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों बंजार घाटी, सेंज घाटी, कराहल घाटी में अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई परिवार बेघर हो चुके हैं। पिछले कल देर रात को लगभग 8 बजे सेंज घाटी की रेला 2 पंचायत के सारी गांव में आगजनी की घटना हुई, जिसमें दो मंजिला लकड़ी से बना मकान जलकर राख हो गया। ये मकान बेदराम मोतीराम आदि 6 भाइयों का है और लेकिन वे इस मकान में नहीं रहते थे। इस मकान में केवल 2 परिवार रहते थे। इस मकान में बेदराम का बेटा शेर सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ व मोतीराम की बहू विधवा हुमी देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। आग लगने से घर सहित सभी सामान जलकर राख हो गया है। ये दोनों परिवार बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों ने भी आग बुझाने का बरसक प्रयास किया, तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। बीड़े पालकर व खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वहीं विधवा हुमी देवी भी खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा करती हैं।